सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो भाई फाइनली आपका भाई आ चुका है एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो भाई आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रेडर लाइफ सिमुलेटर की वीडियो, मतलब सीरीज़। तो हाँ भाई, मैंने इसका बहुत ढूंढा भाई, मेरे को ना यही वाला मॉड है पीके मिला इसका। लाइक इसमें पैसे भाई हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, तो मतलब हम इन पैसों का मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, हम अपनी मेहनत से करेंगे, जो भी करेंगे मतलब ये थोड़े बहुत अपने ना काम में आएंगे। तो हाँ, अगर आप लोग बोलोगे तो इसी पे कंटिन्यू रखो तो हम रख लेंगे, क्योंकि भाई अभी अपने पे पीसी है नहीं, तो भाई हम रियल वाला तो नहीं ले सकते। अगर पीसी होता तो हम वाला बाय कर लेते, वो सही रहता, लेकिन अभी के नहीं, हाल फिलहाल इसी पे हम कंटिन्यू रखते हैं। बाकी चीज़ हम बाद में देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे और इन्जॉय करो तो लाइक का बटन दबा देना, और यकीन करो ये अभी बम फटा भाई, इतने पटाखे फाड़ लें नूबड़ी के बच्चे गली में, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है भाई। इनकी चाची वाची भाग गई। तो हाँ चलो, ये बातें साइड में रखते हैं, तो अब गेम स्टार्ट करते हैं सीधा। तो भाई यहाँ पे मेरे को ना समझ नहीं आ रहा था गाड़ी हम कैसे चलाएंगे, तो यहाँ साइड में ऑप्शन था, तो फाइनली मुझे समझ आ गया था। तो मैंने कहा चलो अपनी न्यू जर्नी करते हैं स्टार्ट भाई। लेकिन ना मेरे को इसका मैप का कुछ समझ नहीं आ रहा था, लाइक मैप में ना मुझे अपना वो नहीं दिख रहा था ना कि हम कहाँ से कहाँ चले गए, कहाँ से कहाँ नहीं। हमें ना सिर्फ एक अंदाजे से जाना था, जैसे अब अगर हम अपने घर के पास हैं तो हमें उस हिसाब से निकलना पड़ेगा कि आप हमें किधर मुड़ना है किधर नहीं। बस इसमें मेरे को थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इशू आ रहा था, तो इसके बारे में आप लोग गाइड करते हैं। अगर आप में से किसी ने खेला हो मोबाइल में तो मुझे लाजमी से बताना। बाकी भाई मुझे तो यार यकीन मानो मेरा फेवरेट गेम है ये ना। मैंने देखा है टेक्नो गेमर्स भी खेलता था, तो मैंने बहुत उसकी मतलब पूरी पूरी वीडियोज़ देखी हैं, और अपना नेटफ्लिक्स भाई हैं उनकी भी मैंने लाइक उनकी तो मैं सारी वीडियोज़ देखता हूँ, मतलब अच्छी लगती है उनकी वीडियोज़ ना। तो हाँ, मैंने सोचा था कभी एमपी खेलेंगे, तो मैंने कहा चलो उठा ही लेते हैं वाला मॉड एपी के, तो मैंने ये उठा लिया था। इसमें पैसे तो बहुत ज़्यादा अपने पे, तो मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, हमें किसी चीज़ को ख़रीदने की कमी नहीं पड़ेगी। लेम्बरगिनी वगैरह हर चीज़ ख़रीदेंगे, फुल एवन अपना हम बनाएंगे स्टोर रूम, तो मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस वाली सीरीज़ में। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो बस एक लाइक ज़रूर कर देना, और मुझे ये कमेंट करके लाजमी बताना कि हम इसको कंटिन्यू रखें या नहीं। तो हाँ, फिर आपका भाई रख देगा। और बाकी है वही बर्गर शॉप है, यहाँ से हम पिज़्ज़ा और बर्गर लेके खा सकते हैं। साइड में हमारा हंगर वगैरह सब कुछ आपको दिख रहा होगा, तो चलो जल्दी से यहाँ से एक पिज़्ज़ा बाय करते हैं और उसको खाते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। तो भाई यहाँ पे ना मैंने पिज़्ज़ा बाय कर लिया था, और थोड़ा सा गिलीच हो गया था, मेरे को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसके बाद फाइनली पिज़्ज़ा आ गया। तो बस मेरे को ना खाने में इसको समझ नहीं आ पा रहा था, लाइक कैसे खाना हमने इसको। तो थोड़ी देर के बाद मतलब इधर उधर हमने किया और लाइक हमें समझ आ गया, और ये बम पटाखे फाड़ लें नूबड़ी के, क्या ही बोले बंदे इन भंगियों को। तो भाई यहाँ पे मैंने बर्गर मतलब पिज़्ज़ा खा लिया था अपना, उसके बाद हमने कहा चलो निकलते हैं। और भाई इस गाड़ी का साउंड बड़ा प्यारा लगता है, लिटरली मतलब अलग ही मज़े का लगता है। और ये साथ में फ्यूल था, देखो यहाँ से ना मैं रास्ते समझ रहा था कि हमें ना जाना किधर है। लाइक अपना जो स्टोर है आपको दिख रहा होगा बीच में बैंक के ऊपर, ठीक है, तो अब उधर का मैं रास्ता समझ रहा था। देखो अभी हम पेट्रोल पंप पे, तो हमें किस तरफ जाना है, देखो हमें जाना पीछे था, लेकिन मुझे लिटरली नहीं थी समझ इस चीज़ की, तो मैं आगे पूरा भाई घूम के लिटरली पहुंचा था, मतलब समझ रहे हो, यहाँ से मैं सीधा गया, उधर से घूम घुमाता हुआ भाई वापस आया। तो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब मैं यार मेरे को समझ नहीं आ रहा था ना इसका कुछ भी मैप का हिसाब वगैरह। देखो फर्स्ट टाइम था ना, अभी हम खेलेंगे इसको आहिस्ता आहिस्ता, तो हमें हर चीज़ की लोकेशन खुद से याद हो जाएगी ना ईजिली, फिर हम नॉर्मली पहुँच सकते हैं, हमें ज़रूरत नहीं रहेगी ना मैप की, हमें रास्ते याद हो जाएंगे। तो यहाँ जाते जाते भाई मुझे ये दिख गया, ये थी मैकेनिक की शॉप, मुझे नहीं पता था मैकेनिक की शॉप है, लाइक मेरे को सिर्फ दिखी, मैंने कहा पहले देखते हैं उतर के। फिर जब भाई मैं उतरा और मैंने बोर्ड पे निगाह मारी, तो भाई ये मैकेनिक था, कार मैकेनिक, तो मैंने कहा इधर जाने का तो फ़ायदा नहीं है, फिर भी मैंने कहा हम ट्राई करते हैं अपनी कार को रिपेयर करके। वैसे तो हमारी कार में कोई हमें ऐसा इशू तो नहीं दिख रहा जैसे अपनी कार वार ख़राब हो, पूरी ओके थी कार, मैंने फिर भी ऐसे रिपेयर कर लिया क्योंकि पैसा अपने बंधा है। तो जस्ट देखो इन चीज़ों में मैं ऐसे लगा रहा हूँ, लेकिन बाकी जो हम स्टोर का सामान वामान है ना, जो हम देखो सेल करेंगे उससे जो पैसे मिलेंगे उस हिसाब से चलेंगे, मतलब ऐसा कोई सीन नहीं करेंगे हम कि भाई इस पैसे से हम अंधाधुंध सामान खरीदे, तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना। तो चलो अब सीधा पहुँचते अपने बाज़ार पे, मतलब बाज़ार नहीं सॉरी स्टोर पे। और भाई फाइनली हम पहुँच चुके थे अपनी शॉप पे, और यहाँ पे भाई एक बंदा जा रहा था, मैंने कहा जो थोड़ी सी इससे मस्ती वस्ती तो करें, तो मैंने इसका रास्ता रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश की भाई, लेकिन ये तो फुल इग्नोर मार रहा था, मुझे कह रहा था चल मेरा पुत्र छुट्टी कर, मतलब भाई इज्जत ही नहीं है। देख रहा हूँ मैं इधर आ रहा हूँ बंदा उधर जा रहा है, मैं उधर आ रहा हूँ बंदा इधर जा रहा है, मतलब यार थोड़ी सी तो इज्जत दे ले भाई, हम भी इंसान ही हैं। और यहाँ पे भाई मुझे कोई भी बंदा नहीं दिखा, मुझे नहीं पता क्यों नहीं दिखा। और यार ये बच्चों पे इतना गुस्सा आ रहा है मुझे भाई, बम देखो घर उनका आगे, लेकिन बम यहाँ पे फेंक के भाग रहे हैं, क्या बोले यार इंसान इन्हें।
खैर उनकी मर्जी भाई, क्या ही कर सकते हैं। सो भाई फाइनली ये अपना बैंक था और उसके सामने ही अपना छोटा सा शॉप था, और मैं देखूँगा ट्रेडर लाइफ सिमुलेटर का ना 2 जो है ना आया अभी, अगर वो भी हमें एंड्रॉयड में मिल गया उसका भी, सो उस पर भी हम एक वीडियो मतलब उस पर भी स्टार्ट कर लेंगे सीरीज़। अगर तो मिला, कंफर्म नहीं पता मुझे वो है मोबाइल पे या नहीं है। बाकी ये लोग आप मतलब ये आप लोग मुझे बताना कमेंट में कि भाई उसका भी वर्जन है मोबाइल में, तो आपका भाई वो भी उठा लेगा, दिक्कत वाली बात नहीं है यार। बस आप कमेंट मारो आपका भाई हैगा, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। बाकी मैं वीडियो का साउंड भी ना पीछे थोड़ा स्लो रखूँगा, क्योंकि भाई कार वगैरह का ना बहुत ही ज़्यादा साउंड था, तो उससे इशू ना इसलिए। और भाई हम जैसे इंटर हुए थे बता रहे थे शेल्फ वगैरह लगाने का ये वो, तो अपने पे एक शेल्फ ऑलरेडी थी और एक लैपटॉप भी था, तो मैंने कहा चलो जल्दी से हम ये वाली शेल्फ को ना यहाँ पे लगा लेते हैं, फिर जो अपने को आई थिंक इन्होंने 2 या 3 बॉक्सेस दिए हुए होंगे जिसमें अपना सामान होगा, तो हम उसके अंदर ना जल्दी से सामान भी लगाते हैं। और यहाँ पर मैंने भाई देखो शेल्फ ले ली थी, और भाई ये मैंने गलती से वापसी हटा दी थी, वो थोड़ा सा मुझसे ना आउट हो गया था मतलब लगाने में। और यहाँ पर फाइनली हमारी वन लग गई थी, मतलब एक ही तो थी, तो ये लगा दी थी। और अब हमें लगाना था अपना लैपटॉप, ये अपना वर्कर था, लेकिन मनी वगैरह सब कुछ इन्हें कलेक्ट करनी थी, बस हमें जाके काउंटर पे से कैश लेना था और अपना काम हो जाता डन। और यहाँ पे हमें 2 बॉक्सेस दिए गए थे, तो मतलब एक बॉक्स तो फुल था अपना, तो मैंने उसका काम शुरू कर दिया था यहाँ पर लगाना। तो जल्दी से मैंने इसको मतलब जितने भी अपने पे बॉक्सेस हैं ना उसको कर लेते हैं। तो मैंने पहले एक लगाया, मैंने सोचा भाई बार बार क्यों मेहनत करूं, तो उसका डब्बा मैं सीधा यहीं पे लिया था, लेकिन उससे ये होगा हम ना सीधा सीधा यहाँ लगाएंगे और इजीली ना अपना काम हो जाएगा। तो मैंने सीधा ही भाई पूरा डब्बा इसका उठाया यहाँ से पैकेट, और इसको हमने रखा इधर, और फिर हमने अपना कर दिया काम स्टार्ट। और ये बकरी भी बोलना हो गई शुरू, भाई इनका तो मैं क्या ही करूँ। हाँ तो भाई मुझे 2 मिनट दो, मैं जल्दी से सारे जितने पैकेट वगैरह ये सब कुछ लगाता हूँ इस पर, और फिर आपसे मिलता हूँ, क्योंकि भाई ऐसे आप बोर ना हो ना। तो भाई फाइनली यहाँ पे अपना पूरा काम डन हो गया था, मतलब भाई दूसरे वाले बॉक्स में एक ही बस एक बोतल सी थी, वो किस चीज़ की थी मुझे नहीं पता। और यहाँ पे भाई हमारा बाज़ार हो गया था ओपन, बाज़ार नहीं इसको हम स्टोर बोलेंगे, तो हाँ अपना स्टोर हो गया था डन। और ये एक लैपटॉप था, मैंने कहा इसको लगा देते हैं यहाँ, क्योंकि इस लैपटॉप से ना हम लाइक मुझे नहीं पता क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे भाई कोई भी कैश नहीं था, हमने कलेक्ट किया तो 0 कैश, क्योंकि अभी तक हमारे कोई भी चीज़ सेल नहीं हुई है, क्योंकि भाई अभी हम न्यू आए इस मार्केट में, तो थोड़ा टाइम लगेगा अपनी मार्केट जमाने में, तो हम जमा लेंगे, दिक्कत वाली बात नहीं है यार। आपका भाई है तो दिक्कत कैसी। और ये क्या था शॉप अपग्रेड वगैरह, इसका भी मुझे लिटरली कोई अभी आइडिया नहीं है। तो भाई वो डन हो गया था, और भाई यहाँ पे मैंने घंटों बर्बाद कर दिए थे मतलब शॉप को ढूंढने के लिए। भाई मैं बार बार घूम घूम के आया जा रहा था, हमें जाना था जाबिर भाई की शॉप पर, आई थिंक उसका नाम जाबिर भाई होता है, मुझे कन्फर्म नहीं पता, मैंने बस वीडियोज़ में देखा था नेटफ्लिक्स की, तो वो जाबिर बोलता था, तो मैंने कहा शायद यही होता होगा, तो हाँ आई थिंक यही नाम होता है, मुझे कन्फर्म तो नहीं याद। और यहाँ पे जो शॉप थी ना लाइक यहाँ पे ना भाई ये देख रहे हो मीट वगैरह मिल रहा था भाई, बीफ वीफ हर चीज़ थी, चिकन लेग पीस वगैरह देख रहे हो, चिकन विकन सब था, लेकिन इसके नहीं हमें नीड है फ्रिज की, जो कि भाई अपने पे है नहीं और अभी हम बाय भी नहीं कर सकते, क्योंकि भाई पैसा अपने को खुद से देखो जमा करना है, तो इसलिए। लेकिन हम बाय मारेंगे अभी नहीं, वो नेक्स्ट वाले एपिसोड में। अभी हमने लाइक अपना जो शॉप पे ना वो नॉर्मल का सामान रखना है, तो उसके लिए मुझे 2 मिनट दो, पहले तो हम ढूंढते भाई अपना वो शॉप को जाबिर भाई की। और भाई जाबिर भाई की शॉप हमने ढूंढ ली थी, लिटरली इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था भाई मुझे, मैं समझ नहीं पा रहा था ना यार वो मैप को, मतलब वहाँ पे दिखा ही नहीं रहा था मेरा बंदा किधर है किधर नहीं, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। हाँ तो भाई फाइनली यहाँ पे पहुँचने के बाद फाइनली क्या है यार, मतलब मैं सस्ते नशे करके आया हूँ, तो यहाँ पे मैंने भाई गाड़ी अपनी ऐसे करके लगा दी थी रिवर्स में, ताकि ना हम यहाँ से भाई ख़रीदें और सिंपल सामान रख के और निकलें। अब देखो हमें जो ऑर्डर थे ना मतलब कंप्लेन जो आई थी कस्टमर की तरफ से, उसमें था कैट फूड और डॉग फूड था अपना, और थोड़ा बहुत सामान था जो मुझे अभी तक याद है, मतलब सही से तो मुझे कुछ भी नहीं याद, बस मैंने वो 2 चीज़ें मेरे सामने आई थी तो मुझे याद है वो अच्छे से। और भाई ये तोते चेंचें कर रहे हैं भाई, मतलब वीडियो के दौरान हर कोई भाई पंगे करता है यार, मैं क्या ही बोलूँ। तो चलो इनको मैं बंद करा के आता हूँ, मतलब इनका मुँह नुबड़ियों का। हाँ तो भाई सॉरी, बाकी यहाँ पे भाई मुझे ना इसका मतलब वो खोलनी नहीं आ रही थी, पीछे का जो होता है गेट, जो इसको डिग्गी विग्गी जो भी बोलते हैं, आई डोंट नो, तो भाई ये समझ नहीं आ रहा था, फिर यहाँ गलती से मुझसे क्लिक और ये ओपन हो गई थी, तो मैंने कहा चलो भाई जल्दी जल्दी यहाँ ना सारे बॉक्सेस वगैरह रखना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि भाई जितना ज़्यादा हम सामान ले जा सकते हो उतना अच्छा रहेगा, लेकिन ज़्यादा भी नहीं बस नॉर्मल सा। देखो अब यहाँ पे ना मेरे को चाहिए था कैट फूड वगैरह भी, देखो इसकी प्राइस है हाई, हम देखो हाई वाली चीज़ हम कोई भी नहीं लेंगे, जो हमें गुड प्राइस में मिली होगी ना सिर्फ हमने वो चीज़ लेनी है। तो यहाँ पे देखो डॉग और कैट फूड था जिसकी प्राइस भी एकदम सही थी, मतलब नॉर्मल प्राइस थी, मतलब हाई प्राइस में नहीं था, तो मैंने कहा चलो जल्दी से
अपना डॉग और कैट वाला फूड हम बाय कर लेते हैं, क्योंकि भाई हमें देखो उसकी तो कंप्लेन थी जो कि हमने देखी थी, अब और भी जो कंप्लेन है वो हमें शॉप पे जाके ही देखना पड़ेगा, फिर उसके हिसाब से हमें शेल्फ वगैरह भी बाय करनी पड़ेंगी, फिर ऐसा ऐसा फ्रिज वगैरह भी बाय करेंगे, और अपने घर को भी हमने सेट करना है, वहाँ पे अपना हमें टॉयलेट वगैरह भी बनाना है, बेड वेड लगाना है और किचन का भी सेटअप करना है, मतलब बहुत कुछ करना है अभी, तो समझ सकते हो मेरी बात। और भाई फाइनली यहाँ पे अपना काम हो गया था डन, जितने बॉक्सेस आ सकते थे मैंने ले लिए थे, अब हम निकलते से अपना जो अपनी स्टोर है उसके लिए, क्योंकि भाई अभी इन्हें सेटअप भी करना और इसमें भी भाई बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है अपना, क्योंकि जितना ज़्यादा सामान होगा उसको सेट करने में अपना उतना ही ज़्यादा टाइम जाने वाला है, तो मुझे 2 मिनट दो, मैं जल्दी से पहुँचता हूँ और मिलता हूँ आपसे। हाँ तो भाई फाइनली मैं अपने गैराज पे, मतलब गैराज नहीं स्टोर पे पहुंच गया, तो यहाँ मैंने ना गाड़ी बैक करके लगा ली थी, क्योंकि भाई अपना जितना ज़्यादा मतलब सही रहेगा ना उतना इजी रहेगा, मतलब यहीं से हम इजीली जल्दी जल्दी ले लेंगे, अपना टाइम भी वेस्ट नहीं होगा ना इससे, तो मैंने जस्ट इसलिए ऐसा सीन किया था। और उसके बाद है भाई हमने अपना ना जितना भी हम लाए थे सामान उसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट कर दी थी, तो चलो लाइक मैं इसका पूरा पूरा नहीं आपको पूरा मतलब समझ जाओगे यार, अभी देख लो, मतलब हम दो दो पैकेट लगा के इसको कट करते रहेंगे ताकि आप लोग को भी बोर ना हो। तो अपना पहला वाला डन हो गया, तो और भाई ये गलती से मुझसे निकल गया, मतलब मुझे पूरा बॉक्स उठाना था और मैंने भाई एक पैकेट उठा लिया, तो कोई ना मैं पूरा बॉक्स उठा लेता हूँ इसका, भाई फिर से मैंने यही कर दिया, चलो कोई नहीं ये वाला भी मैं पूरा डन करता हूँ और चलते हैं फिर अपना तीसरे की तरफ। और भाई फाइनली दो डब्बे अपने हो गए थे डन, एंड अब ये था तीसरा वाला, तो चलो जल्दी से इसको भी हम लगाना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ तो भाई वन सेकेंड सॉरी वॉइस ओवर, ओके। तो भाई ये अपने पत्नी क्या थे, दी डार्क साइड, पत्नी चॉकलेट थी है, नाम देख रहे हो दी डार्क साइड वगैरह, भाई चलो कोई ना, दादी जो भी था समझ जाओ, दादी मैं क्या बोल रहा हूँ, खैर कोई ना। तो अपना ये भी हो गया था डन, और यहाँ पे एक ना बॉक्स पड़ा हुआ था जिसमें एक ही जस ये था, ये क्या चीज़ थी मुझे नहीं पता, तो मैंने कहा कोई ना फ्री की चीज़ें लगा देते हैं यहाँ पे इसको भी। और अब अपना बढ़ते हैं दूसरे बॉक्स की तरफ, क्योंकि भाई जितने ज़्यादा मतलब सामान होगा उतना ज़्यादा वो सेल भी होगा अपना, तो इसलिए। और मैंने भाई ये भी यहाँ पर रख लिया था ताकि ना अपने को थोड़ा आसानी रहे। और भाई मैंने ना यहाँ पे एक निंजा टेक्निक कराई, देखो अपने शेल्फ में ना जगह भी हमें कम पड़ ली थी, तो भाई मैंने ना सामान को नीचे रखना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि भाई देखो ट्रेडर लाइफ वन में ना सामान नीचे का भी सेल हो जाता है, लेकिन टू में नीचे जो रखते हैं वो सेल नहीं होता, तो इसलिए मैंने कहा चलो दिक्कत वाली बात नहीं है, वन है ठीक है। और भाई इसका जो बॉक्स था मेरे को ऊपर सामान लगाना था, क्योंकि भाई अपनी जगह नहीं बची थी, तो मैं इसके ऊपर चढ़ गया था, और यहाँ से अब ईजी रहेगा लाइक अपने को ना सामान वगैरह लेना, और देख रहे हो मतलब अब ऊपर की जगह रह गई, तो इतना भाई अपने पास स्पेस नहीं है, क्योंकि अभी एक और बॉक्स रहता है, तो इसलिए भाई मैंने कहा भाई अब देखो मैं सामान नीचे वीचे भी रखना पड़ेगा लाजमी से, क्योंकि भाई आपके सामने एक ही शेल्फ है, हमें भी शेल्फ वगैरह भी बाय करने, जो कि हम नेक्स्ट वाले एपिसोड में करेंगे, अगर आप लोगों को पसंद आई वीडियो तो हाँ मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, मतलब इसमें बहुत चीज़ें हैं भाई करने को, आपको पता ही होगा भाई ट्रेडर लाइफ में मतलब बहुत कुछ है करने को, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस वाली सीरीज़ में, बस आप लोगों को पसंद आ जाए तो यार बस लाइक का बटन दबा देना, क्योंकि जितने ज़्यादा लाइक होंगे मुझे पता चल जाएगा ना यार अपनी पब्लिक उतनी ज़्यादा पसंद आई है, तो आपका भाई इतने ज़्यादा इसके एपिसोड बनाएगा और फुल आपको फुल इन्जॉयमेंट देगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। और भाई यहाँ पे मुझे पता चला लाइक हमने एक के ऊपर एक भी रख सकते हैं बॉक्सेस वगैरह, मैंने नीचे भी रखे थे, तो मैंने कहा चलो यहीं पे ना ये वाला सीन कर लेते हैं, जिससे स्पेस भी कम लगेगी और ज़्यादा सामान हम रख पाएंगे, तो समझ रहे हो मेरी बात। तो भाई फाइनली जितना सामान था हमारा सब डन हो गया था, तो जल्दी सब यहाँ पे पहले ये रखते हैं और अपनी यहाँ से कार को हम निकालते हैं बाहर, ताकि अपनी जगह स्पेस थोड़ी खाली, और भाई यहाँ ना बैकअप पे भी ना बहुत ज़्यादा सामान ला के रखेंगे, ताकि ना कभी हमारा कुछ ख़त्म हो जाए तो हमें जावेद भाई के पास जाना ना पड़े, हम यहीं के यहीं सारा सामान लगाते रहें। और हमने भाई अपनी गाड़ी वाड़ी यहाँ से बाहर निकाल दी थी, और अपना ये भी बंद कर देते हैं, और अपने दोनों भाई ये शटर भी गिराते हैं, चल भाई तू भी गिर जा, एंड ये आगे वाला भी इसको हम गिराते हैं, क्योंकि भाई हमें ये नहीं दिखाना शॉप का लुक खराब होगा, मतलब अभी तो एक ही शेल्फ है, लेकिन कोई ना। और भाई अगर हम देखें यहाँ पे हमने कितने की अर्निंग कर ली, भाई $300 से ज़्यादा की हमने अर्निंग कर ली, नॉट बैड, मतलब जितने ज़्यादा अपने पे सामान होगा उतना ज़्यादा अर्निंग हम करेंगे। और अभी भाई कोई कंप्लेन भी ना मेरे को दिखी नहीं आई भी, तो हाँ मतलब अच्छी बात थी कोई कंप्लेन नहीं आई। हाँ तो भाई सॉरी वॉइस ओवर की,
तो भाई फिर मैंने कहा चलो अभी के नहीं बस करता हूँ रगेन से, भाई थोड़े से हमने पैसे कमा लिए थे, क्योंकि देखो हमारी शॉप पे भी बहुत ज़्यादा सामान हो चुका है। ऐसा ऐसा हम बहुत ज़्यादा करेंगे, लाइक नेक्स्ट वाली वीडियो में अगर आप लोग बोलोगे तो मैं बना दूंगा नेक्स्ट एपिसोड। तो आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आपको कितनी अच्छी लगती है वीडियो कितनी नहीं, तो मुझे लाजमी से कमेंट में बताना कि भाई इसको हम कंटिन्यू रखें या बस यहीं पर ऑफ करते हैं, तो कर लेंगे, क्योंकि भाई मेरा तो फेवरेट गेम है। आई होप आप लोगों को भी मज़ा आया हो इस वीडियो को खेलने में, मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया था रिकॉर्डिंग के दौरान। तो हाँ मैं मिलता हूँ आपसे कल, लव यू यार, ऐसी सपोर्ट बनाए रखना और जल्दी से भाई करा दो यार 3K, क्या कर रहे हो अभी तक 3K नहीं हुए अपने। कोई ना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक वाइक मारो, सब्सक्राइब मारो, कमेंट वमेंट करो। मैं मिलता हूँ आपसे कल ब्रांड न्यू वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखना और ऐसी सपोर्ट बनाए रखना। लव यू ऑल, बाय बाय।